चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। तो गाइस, आज जो है वो हमारी वीडियो है रिलेटेड टू पेयर नंबर 4। जैसा आपको मालूम है कि हमारा पेयर नंबर 4 जो है वो सेकंड क्लच में जा रहा है, तो इसके 4 के 5 हैं टोटल बेबीज़। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम इन बेबीज़ की जो है ना वो इंस्पेक्शन करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये बेबीज़ जो है ना वो किस तरह के हैं और किस तरह का रिज़ल्ट ये वाला पेयर हमें दे रहा है। आपको मालूम है कि ये पेयर ने जब फर्स्ट क्लच दिया था तो उसमें सिर्फ 2 ही बेबी निकाले थे, जिसमें एक पाइड था हमारा मेल घर का और एक वाइट फीमेल थी। तो वो दोनों मैंने कह लें कि भाई को चाहिए थे, तो क्योंकि पेयर ये मैं भाई से लाया था तो मैंने रिटर्न करने थे, तो मैंने होम ब्रीड से उनको फिर रिटर्न शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेकंड पेयर ने फिर दोबारा कह लें कि एग ले किए, और 5 एग थे जिसमें से 4 हैच हुए, और 4 कह लें कि वो माशाल्लाह फर्टाइल, और 4 या 5 बेबीज़ हैं। तो अब देखते हैं कितने एग्स हैं और कितना है और बेबी किस तरह के हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको इंस्पेक्ट नहीं किया, तो हम लोग बाहर निकालेंगे अपना, पहले उतारेंगे इसका अल्लाह भला करे बॉक्स, मैं उतार के नीचे रखूँगा, और फिर माशाल्लाह 4 बेबीज लग रहे हैं हमें। तो हम लोग, मैं इस बॉक्स को फिर कह लेंगे लेके जाऊंगा अंदर, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया, हमारे बेबीज इसके अंदर हैं जी। मैं इसको करता हूँ वापस क्लोज, और हम जो है ना बॉक्स में अपने जो बेबीज हैं उनको हम लेके जाते हैं नीचे। ठीक है जी, तो माशाल्लाह इसके अंदर हमारे बेबीज हैं। तो ये हमारा कह लेंगे बेबीज को मैंने रख दिया इधर। अब हम निकालेंगे जी 1 by 1 इसके अंदर से बेबीज, और फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, आ जाए जी, माशाल्लाह हम लोग निकालेंगे, और हमारा जो पहला बेबी है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस पेयर नंबर 4 का। अगर आप देखें तो ये बॉक्स है जी पेयर नंबर 4, और माशाल्लाह 2 वाइट लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह, देखें जी, वाओ, एक ये बेबी है वाइट जी। 2-4 रोज़ में ये बेबीज बाहर आने वाले हैं, जिसकी वजह से कह लें कि थोड़ा घबरा रहे हैं और उड़ रहे हैं, तो मैं इसको होल्ड करूँगा। सेकंड बेबी हम दिखाता हूँ आपको, वो भी वाइट है माशाल्लाह। ये देखें, अभी फीड अच्छी तरह से कराया हुआ है। सेकेंड बेबी भी हमारा वाइट है, बड़े बड़े हो गए हैं और भाग रहे हैं। ठीक है जी, और एक एग जो है ना वो अंदर कह लें कि एक एग जो है वो नॉन फर्टाइल, मैं उसे निकाल दूंगा। मैं इस बेबीज को दोनों को अंदर छोड़ता हूँ। आई वाह, अभी क्योंकि इनके ये फीडर्स निकल आए हैं और ये बाहर आते हैं, भागते हैं। अच्छा जी, दूसरे 2 देखे कॉमन है के पाइड है, केरियस अबाउट दैट। ओके जी, ये एक और पाइड निकाला पाइड है, ये देखें, और एक निकल कर भाग गया। मैं ऐसा करूँगा, इसको बंद करूँगा दूसरे मोबाइल से। ओके जी, देखें ये वाला बेबी माशाल्लाह ज़बरदस्त पाइड चल रहा है, और एक पाइड बाहर निकल के पीछे भाग गया। नहीं जी, ये बेबी भी हमने पकड़ लिया, और माशाल्लाह ये ब्लैक चिक है देखें, और दूसरा कॉमन में ब्लैक चिक है।
तो ये थे हमारे चारों बेबीज, एक एग जो है वो अनफर्टाइल, उसे हम निकाल देंगे, वो ये है। ठीक है जी, तो ये था हमारा बेबीज़ का, मैं आपको दिखाना चाह रहा था फोर का, तो अगर आप देखें ज़रा, मैं आपको जूम कराऊं बॉक्स के अंदर, तो ये देखें, दो वाइट और दो जो है वो नॉर्मल हमारे बेबीज़ हैं। चलें जी, होपफुली आपको ये इंस्पेक्शन अच्छी लगी होगी। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और आगे हाथ रखता हूँ, क्योंकि इनके विंग्स आ चुके हैं और किसी टाइम में फ्लाई करते हैं, 2-3 दफ़ा रूम में उड़ के गए सोफ़े के नीचे और मेरे टेबल के नीचे, कारपेट के नीचे। तो मैं इसको वापस लगाऊंगा, हम लोग अगर देखें तो वापस मेल फीमेल जो है वो ये लें जी, हमारा बॉक्स नंबर 4 वापस हमने केज में डाल दिया। तो होपफुली 3-4 रोज़ में मैक्सिमम ये दोनों जो बच्चे हैं ये भी बाहर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह जैसे ये बाहर आएंगे तो मैं आप लोगों को कह लें कि दिखाऊंगा, और फिर हम इनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे जब ये सेल्फिश। ठीक है जी, उसके अलावा हमारी कॉलोनी में मैंने कुछ और पट्ठे छोड़े हैं, कह रहे हैं कि देखें सामने एक ही बड़ा है, 2 पेयर थे घर के होम ब्रीडर, वो भाई को दे दिया, आज मैंने 3 पेयर उनके फार्म पे, ज़ेबरा नहीं थी तो मैंने 3 पेयर उनको दे दिए। तो मैंने कहा चले आप उसको यूज़ करें, इनसे ब्रीड लें, तो फिर आगे देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी इनफ है, काफ़ी हैं ज़ेबरा, तो इंशाल्लाह ये भी निकलेंगे तो हम लोग इधर इसी कॉलोनी में ही छोड़ेंगे। चलें जी, अगर आप सब दोस्तों को गुजारिश है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे वाली आने वाली वीडियोज़।